अस्सलाम वालेकुम। एच पी लेज़र जेट M30 35X का कॉपी करने का तरीका बताते हैं आपको। जैसा कि नाजरीन, मेरा कैमरा मैन आपको दिखा रहा है। सबसे पहले ये है कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड। इसको सबसे पहले जहाँ नहीं रखना, इसको रखने का भी एक असूल है, और इसका सबसे बेहतरीन असूल ये है कि ये जो मेरा कैमरा मैन आपको मिनिमाइज़ करके दिखाएगा आपको, ये देखिए ज़रा, इसको यहाँ नहीं रखना। यहाँ करेंगे तो हमारी कापी जो है वो ठीक नहीं आएगी। इसको A5 आपको निशान नज़र आ रहा होगा, A5 या यहाँ आपने इसको रखना है। या ये हमने अपना कार्ड रख लिया, और उसके बाद ये जो स्कैनर बल्ब है, हमारी यही कोशिश होगी कि हम इसको ऑफ कर दें, इसको बंद कर दें। इसको बंद कर दिया, अब उसके अलावा हम कापी जो है वो बड़े पेज पर भी कर सकते हैं, लेकिन बड़े पेज पर कॉपी यहाँ सेंटर में आएगी, ये जो है हमारी टू साइड जो है ये ख़राब हो जाएगी। इसलिए हम कॉपी बड़े पेज के अलावा छोटे पे हाफ पेज पे करेंगे। और कॉपी करने का तरीका ये, हम कॉपी यहाँ से ट्रे नंबर 2 में से नहीं करेंगे, कॉपी करेंगे हम ट्रे नंबर 1 से। ये देखेंगे और जैसा ये देखें, यहाँ हम पेपर लगाएंगे। अब इसका ये लॉक है, इसको दबा कर हम इसको क्लोज करेंगे। ये हमारा पेपर लग गया है, ये देखिएगा अब ठीक हो गया, ये रेडी है। अब बाकी अब हम ये देखें, ये हम यहाँ से स्टार्ट का बटन दबाएंगे। अब हमारे पास ऑप्शन है कि हमने किस नंबर पर कॉपी करनी है। ये देखें, ये 8.5 है, और ये हमारे पास लीगल है, ये हमारे पास स्टेटमेंट है, ये हमारे पास A4 है। A4 टू 10 प्रोडक्ट 297 mm पे हमने कॉपी करनी है। इस पर सेलेक्ट करें और इसको स्कैन कर दें। ये हमारी कॉपी की डिमांड होती है, जितनी कॉपीज़ करनी है उतनी कॉपीज़ पे सेलेक्ट करें। एक करनी है, एक को ओके करें, ये हमारी कॉपी हो जाएगी। ये देखें ज़रा, ये हमारी कॉपी आपके सामने है, ठीक है। इसके अलावा ये देखिए, अब हमने जब डबल साइड इसकी करनी है, इसको ऐसा इसको पलट कर रख देना है, देखें। और उसका जो है प्रिंटर का गेट है, इसको डोर को ओपन करके कार्ड के साइज़ चेंज कर देनी है हमें। ये देखिए, जहाँ पहले कार्ड रखा था वहाँ हमने दोबारा फिर कार्ड रख लेना है। और ठीक है, इसको बंद कर देना, स्कैनर बल्ब हो गया। अब स्टार्ट कॉपी की डिमांड दे देनी है हमें, ये स्कैन कर रहे हैं, ठीक है। अब ये हमारी कॉपी फिर होगी, ये देखिए, ये हमारी कॉपी तैयार। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।